यहाँ पे पार्किंग लॉट पूरा फुल है और मुझे वहाँ पे जगह ही नहीं मिली गाड़ी पार्क करने के लिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे और मेरे आगे के और भी सब जगह पे लोगों ने गाड़ियाँ ऐसे रोड के कर्ब साइड पे पार्क कर दी है। तो मैंने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। तो चलिए अब हम चलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट है योहो नेशनल पार्क में उसकी ओर, और मैं आपको वहाँ पे जाके बताऊंगी कि एग्जैक्टली आज हम क्या देखने वाले हैं। देखिए इसका एंट्रेंस ही कितना खूबसूरत है, यहाँ पे एकदम ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और उसके ऊपर इतने सारे पाइन ट्रीज है। ये पूरा जो योहो नेशनल पार्क है ये पूरा इसी तरह से आपको दिखेगा, पाइन ट्रीज हर जगह पे इतने टॉल आपको ऐसे दिखाई देंगे। और यहाँ पे एक ट्रेल दिखाई दे रहा है, तो चलिए हम अंदर जाके देखते हैं कैसा ट्रेल है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने दिखाया है इसका जो ट्रेल है ये पूरा 5.2 किलोमीटर का ट्रेल है, और दूसरा भी है ट्रायंगल लूप है जो 19.7 किलोमीटर का है। और ऐसे बहुत सारे ट्रेल्स इन्होंने ये मैप में भी डिटेल में दिखाए हुए हैं, जहाँ पे वन नंबर है वैसे इन्होंने बताया कि वन वाला पूरा आप ऐसे लेक के सर्कुलर डायरेक्शन में आप घूम सकते हैं। और इस नेशनल पार्क में वार्निंग साइंस आपको इस तरह से दिखाई देंगे जो कि है बेयर और बाकी के एनिमल्स। जी हाँ, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स है वो ऐसे ही घूमते हुए आपको दिखाई देंगे, तो आपको कॉशियस रहना है जब भी आप ऐसे ट्रेल्स पे जाएंगे। तब और देखिए यहाँ से वो सामने का जो ब्रिज है वो एक्चुअल लेक के यहाँ का ब्रिज है, और ये पूरा माउंटेन का व्यू, यहाँ पे बीच में बहती हुई रिवर, कितना प्यारा लग रहा है ये पूरा इन्वायरमेंट। ऐसे लग रहा है बस अब मैं यहीं पे अपना घर बसा लूँ। तो यहाँ से जो ट्रेल है ये पूरा ऐसे आपको लेक के पूरा एक सर्कुलर डायरेक्शन में घुमाएगा, तो यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। क्योंकि मैंने राइड गियर नहीं पहना है ट्रेल करने के लिए, तो इसीलिए मैं रिस्क नहीं लूंगी। मैं एक्चुअल जो लेक है वहाँ पे आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ एक्चुअल लेक का व्यू कैसा है। अब मैं आई हूँ यहाँ के सबसे मेन टूरिस्ट पॉइंट पे जो कि है एमरल्ड लेक। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो टर्कोइस वाटर है इसी की वजह से ये लेक का नाम भी एमरल्ड लेक पड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लोग रेंटल बोट लेके जा रहे हैं कनोइंग करने के लिए, और इनफैक्ट ये जो व्यू है अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे कनोइंग करते हुए तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आएगा, क्योंकि आप वादियों के बीचों बीच लेक के ऊपर कैनोइंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये रेंटल बोट शायद से आर्ली बेसिस पे मिलती होगी, मैंने अभी चेक नहीं किया है, पर अराउंड वही सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको आर्ली बेसिस पे करना होता है और उसके हिसाब से बोट लेना है और जाना है। और ये लेक का पानी भी बहुत शांत है, एकदम ऐसे ठहरा हुआ है, इसके लिए आपकी जो बोट है वो ज्यादा शेक भी नहीं करेगी, ज्यादा ऊपर नीचे भी रास्ता नहीं है, तो इसीलिए एकदम स्मूथली आप ये राइड को एंजॉय कर सकते हैं। जितना भी आपका मन करे उतना देर आप नेचर में एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे पीछे एक कॉर्नर में यहाँ पे एक कॉटेज टाइप कुछ दिख रहा है और लोग भी बाहर ऐसे आउटडोर सीटिंग पे बैठे हुए हैं। मेरा अंदाजा है कि ये जरूर रेस्टोरेंट होगा, तो चलिए हम जाके वहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या चीज है, रेस्टोरेंट है या कुछ और चीज चल रही है। अगर रेस्टोरेंट है तो खाने पीने का क्या बंदोबस्त है, उसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो ये मेरे पीछे जो है ये है एमरल्ड लेक लॉज, और इसी के साथ में आपको रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज भी मिलती है, तो आप यहाँ पे बाहर बैठ के डाइनिंग भी कर सकते हैं और नेचर को अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। और देखते हैं हम यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो इन्होंने बोला है कि इंडोर डाइनिंग और पैटियो दोनों ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं,
हम देख सकते हैं मेनू यहाँ पे क्या क्या है, चलिए ऊपर जाके क्विकली चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे खाने पीने के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे आपको सैंडविच मिलेगा, टर्की सैंडविच और पिज्जा भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए अब हम लेक के दूसरी ओर चलते हैं। अब ऐसे ही लेक के पास बैठ के मैं ये जो समा है, ये जो मौसम है, इसको एंजॉय कर रही हूँ। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसे लगता है कि हम दुनिया में बहुत ही स्मॉल एंटिटी है, और जो वर्ल्ड है ये बहुत ही बड़ा वर्ल्ड है। इसमें हम एक छोटी सी कश्ती की तरह हैं, ऐसे मुझे फील हो रहा है आज। मेरे ख्याल से ऐसी जगह पे आने के बाद में ऐसे सारे थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, और ये शायद से नेचुरल सी चीज है। क्या आप भी ऐसे सब चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जब आप ऐसे कुछ सीनिक लोकेशन पे जाते हैं तब? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके माइंड में कैसे कैसे थॉट्स आते हैं ऐसी जगह पे जाने के बाद स्पेशली। एमरल्ड लेक के बहुत सारे पिक्चर्स मैंने देखे थे, और ये टर्कोइज वाटर जो है इसके साथ में भी मैंने बहुत सारे ऑनलाइन पिक्चर्स देखे हुए थे। तो मुझे थोड़ा डाउट था, पता नहीं ये हाइप है कि एक्चुअल में ये जगह अच्छी है, पर आज मैं आके यहाँ पे ये जगह को विटनेस कर रही हूँ तो आज मुझे फील हो रहा है किसी ने फिल्टर्स नहीं लगाए हुए हैं। ये एक्चुअल में नेचुरली ऐसे ही दिखाई देता है, और ये बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आप आना चाहेंगे ब्रिटिश कोलंबिया तो ये लेक के यहाँ पे जरूर विजिट करना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अल्बर्टा के टूर पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।